हेल्थ केयर सर्विसेज में हम बंगाल की केस स्टडी देखते हैं। रिसेंटली ऑल द हेल्थ प्रोजेक्ट्स हैव टेकन अप इन द अर्बन एरियाज हैव बीन अंडर पुट अंडर अ सिंगल अम्ब्रेला विद सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट एसोसिएशन। जितने भी हेल्थ केयर प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके ऊपर एक एसोसिएशन बना दी गई है जो कि है SUDA, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये एक नोडल एजेंसी है जिसके अंडर सारी एजेंसीज वर्क करेगी वेस्ट बंगाल में। ये सिस्टम 1 अप्रैल 2008 में एनफोर्स किया गया था। इसके अकॉर्डिंग फिर कम्युनिटी बेस्ड प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज टू द BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो लोग हैं, गरीबी रेखा से नीचे, उनको कम्युनिटी बेस्ड प्राइमरी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। इसके अंदर 63 ULBs अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंदर जो गांव आते हैं और जो उनमें गरीब लोग हैं उनको इंक्लूड किया गया है। उसके अलावा अटेम्प्ट्स वर मेड टू कवर द रिमेनिंग, बाकी जो बची हुई आबादी है जो कि नॉन KMA कोलकाता मेट्रोपॉलिटन एरिया में आती है उनको भी इसमें कवर किया गया है। उसके बाद अकॉर्डिंगली अ प्रोजेक्ट नेमली कम्युनिटी बेस्ड प्राइमरी सर्विसेज हैज़ बीन टेकन अप बाय द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट। फिर हेल्थ और फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट भी बनाया गया इसको कोऑर्डिनेट करने के लिए, ताकि फैमिली और हेल्थ को लेकर जो इश्यूज़ हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व कर सकें और उनके बारे में उनको गाइडेंस दे सकें। टोटल अर्बन पॉपुलेशन टू बी कवर्ड, जितनी पॉपुलेशन पूरी इसमें कवर करनी है वो है 34.03 लाख, और इनमें से 11.23 लाख तो बिलो पॉवर्टी लाइन वाली पॉपुलेशन है। दिस प्रोजेक्ट हैज़ बीन डिज़ाइंड इन लाइन विद द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, यह नेशनल हेल्थ प्रोग्राम की तरह ही बनाया गया है एंड विल कवर द APL। इसमें फिर APL अबव पॉवर्टी लाइन वाले को भी कवर किया गया है। द ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिंग ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन द अर्बन हेल्थ सिनेरियो। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि अर्बन एरियाज में रहने वाले चाहे गरीब हों चाहे अमीर हों, सबकी हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव किया जाए। द अप्रॉक्सीमेट बजट फॉर दिस प्रोजेक्ट, इसके लिए जो बजट डिसाइड किया गया था आने वाले 3 सालों में जब ये 2008 में बना था वो था 58.29 करोड़। इसके बाद हम देखते हैं नीड ऑफ द आर, अब इस वक्त की ज़रूरत क्या है, इस वक्त गवर्नमेंट का रोल क्या होना चाहिए। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चरल रिसोर्स ऑफ एवरी स्टेट, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपने स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चरल रिसोर्सेज को इम्प्रूव करे ताकि लोगों को बेनिफिट्स मिल सकें। दिस रिसोर्सेज इंक्लूड, अब ये रिसोर्सेज क्या क्या हैं, साफ़ सुथरा पानी मिले पीने के लिए, सीवर्स, साफ सुथरी नालियाँ रहें, इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्रॉपर हो, टेलीकम्युनिकेशन प्रॉपर हो, रोड फैसिलिटीज़ मिल सके। द सेंट्रल गवर्नमेंट फुलफिल्स दीज बाय एलोकेटिंग फंड्स टू स्टेट गवर्नमेंट, इसके लिए हर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कुछ फंड्स वगैरह प्रोवाइड करती है। द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वॉज एन इंस्टीट्यूशन विच फॉर्मुलेट्स इंडियाज 5-year plans, इसके लिए प्लानिंग कमीशन जो है वो 5 साल के जो पंचवर्षीय योजना के अकॉर्डिंग जो प्लान बनाते हैं उनके साथ ही इन चीज़ों को भी डाला गया है। अमंग अदर फंक्शंस दिस कमीशन हैज़ बीन रिप्लेस बाय अ थिंक टैंक डेवलप्ड बाय नरेंद्र मोदी कॉल्ड नीति आयोग, और इसके लिए नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग बनाया है। नीति आयोग का मतलब है इट स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक नया तरीका निकाला गया। दिस आयोग फॉर्मुलेट्स प्लान्स फॉर कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अमंग इट्स वेरियस फंक्शंस द आयोग फॉर्मुलेट्स अ प्लान फॉर द मोस्ट इफेक्टिव एंड बैलेंस्ड यूटिलाइजेशन ऑफ द कंट्रीज रिसोर्सेज, फिर उसके बाद ये भी देखना है कि कंट्री के रिसोर्सेज का बैलेंस और प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन स्टेट प्लानिंग कमीशन, हर स्टेट का अपना एक प्लानिंग कमीशन है। द स्टेट प्लानिंग कमीशन इन एडिशन टू अदर फंक्शंस इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग नेसेसरी सपोर्ट टू ऑल द अर्बन लोकल बॉडीज, तो बाकी फंक्शंस के साथ में हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना भी इसी फंक्शन में, इसी स्टेट प्लानिंग कमीशन में डाल दिया गया है। द गवर्नमेंट हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू इट्स पीपल, यानी सरकार की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज अपने लोगों को प्रोवाइड करें। इट इफ़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेज आर टू बी प्रिवेंटेड एंड ट्रीटेड, अगर अलग अलग रोगों को हमें प्रिवेंट करना है, उनको ट्रीट करना है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट देयर शुड बी अप्रोप्रिएट हेल्थ फैसिलिटीज लाइक हेल्थ सेंटर्स, और इसीलिए अच्छे हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज, टेस्टिंग के लिए एम्बुलेंस, ब्लड बैंक, ये सारी चीज़ें लोगों तक टाइमली पहुंच सके, ये सरकार को ध्यान रखना है। दीज कैन प्रोवाइड द सर्विसेज रिक्वायर्ड फॉर पेशेंट्स हु नीड देम, इससे पेशेंट को टाइमली सर्विस मिलेगी, वो हॉस्पिटल तक टाइम से पहुँच पाएगा, जो ट्रीटमेंट में डिले होता है या कई लोगों की मौत हो जाती है ऐसी घटनाएँ नहीं होंगी। These services have to be made available to every citizen. और सरकार को ये भी ध्यान रखना है कि ये services हर नागरिक तक, भारत के हर एरिया तक पहुँचे।
It is necessary that government play a more active role in providing basic health care services. और इसीलिए सरकार को और ज़्यादा actively अपना role play करना पड़ेगा, even in the remotest corners of the country. चाहे इंडिया का कोई सा भी एरिया हो, ये services वहाँ तक पहुँचनी चाहिए. This is all about this chapter.